हेलो गाइस, मेरा नाम है जिमी आटा। मेरे को तो इतना परेशान करके रखा है लॉस सैंटोस वालों ने, मेरी तो इज्जत ही लूट ली भाई। मैं तो बड़ा परेशान चल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई, जिमी सच्ची में इतनी कॉमेडी करता रहता है, अबे नमूने हंसा हंसा के मार देगा तू तो किसी दिन। तो फिलहाल चलिए भाई, आप लोगों ने इसका रोना धोना सुन ही लिया। बोलता है कि मैं तो परेशान हो गया, लॉस सैंटोस ने परेशान कर रखा है बहुत ही ज्यादा। तो फाइनली भाई, आप लोगों सुबह वाले ब्लॉग में क्या हुआ था मैं आपको याद दिलाता हूँ। जिमी ने कोशिश करी अपने दोस्तों में अपनी थोड़ी सी पावर बनाने की, बोला कि मैं ट्रेवर अंकल की गाड़ी को लेकर के आऊंगा। लेकर के आया घर से चुरा करके, फिर देखता है तो स्ट्रिप क्लब पे गाड़ी चोरी। हैकिंग करने के लिए लेस्टर ने मना कर दिया। हैकर के पास गए तो पैसे मांगे, फिर पैसे चोरी करे तो गाड़ी एक और चोरी हो गई। इतनी बुरी किस्मत चल रही है जिमी की बेचारे की, क्या कर सकते हैं। फिर एक और गाड़ी चोरी, गाड़ी अभी हम लोगों ने ले ली है। तो अब इस चोरी गाड़ी को लेकर के जिमी बेटा निकल पड़ा है। अब चलते जल्दी से हैकर वाले बंदे के पास में, अब उसको पेमेंट देंगे और पेमेंट दे करके सारा का सारा काम कराएंगे और देखते हैं भाई अभी कहाँ पे हमें जेम्स वाली गाड़ी मिलने वाली है। क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो जिमी बेटा घर मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेवर को पता लग गया ना तूने गाड़ी मिस कर दी, तेरे को तो जान से मारेगा, अब की बार नहीं छोड़ने वाला। जिमी आटा बेचारा फिर से पहुंच गया। चलो जिमी आटे जी ऊपर निकलिए, चलिए चलिए फटाफट से। ओके तो फिलहाल भाई हैकर को देता हूँ पैसे। हैकर के इतने प्राइस, यार मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। ये तो लेस्टर बेचारा कितना अच्छा, यार देख रहे हो घर का हैकर है, इसलिए कभी पता नहीं चला हैकर इतने पैसे लेते हैं। एक काम के स्टार्टिंग प्राइस $15,000, कोई भी हैकर नहीं लेगा ऐसे तो। हेलो जी, अरे मेरी बात सुनिए भाई, वो लड़का कहाँ गया जिससे मैंने सुबह वाले एपिसोड बात करी थी? यहाँ पे हमारी लड़की बैठी हुई है, चलिए इसी बात करता हूँ, मेरी बात सुनिए जरा। फिलहाल भाई मैंने लड़की को पेमेंट कर दी है। लड़की बोल रही है कि बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं भी आपका सारा काम करवाती हूँ, आपकी पेमेंट आ चुकी है, थैंक यू सर हमारे साथ काम करने के लिए। तो मैंने बोला थैंक यू वगैरह बातें बोलना, मैं बड़ी मुसीबत में, मेरे को गोली मार देंगे। तो फिलहाल भाई ये लड़की बहुत अच्छी है, करे एक काम करते हैं उसका नंबर वगैरह ले लेंगे बाद में, ताकि इससे काम चलाते रहे। मतलब कि भाई लेस्टर मेरे हेल्प नहीं करता, इसको थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूँगा, $5,000-7,000। देखो 15 तो बार बार दे नहीं पाएंगे, 5-7 हज़ार में काम करवा लिया करेंगे इससे। ठीक है ठीक है, आप जल्दी से गाड़ी को ढूंढ दीजिए, 007 वो बहुत खतरनाक गाड़ी है और ऊपर से फूफा लिखा हुआ है इस गाड़ी के पीछे और वो ड्राइवर की कार है। 15 मिनट लगी, बट भाई लड़की तो बड़ी एक्सप्रेस है सच्ची में, इतनी एडवांस हैकिंग करी इसने, मजा उठा दिया इसने। सबसे पहले कैमरा से एकदम से हैक किए स्ट्रिप क्लब के, वहाँ फिर देखा भाई कुछ बंदे, यार अनजान बंदे थे, मैंने सोचा था कि वो जिमी के फ्रेंड्स ने सारा काम किया, ना 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 कोई और बंदे हैं भाई वो। फिलहाल इसने फिर हर एक स्ट्रीट कैमरा से फॉलो किया गाड़ी को और फाइनली गाड़ी इस वक्त डॉक की तरफ है, कंटेनर में लोड करने में लगे हुए बंदे भाई, और उसको भगाई में बिल्ले करके जा रहे हैं। मेरे को जल्दी से निकलना पड़ेगा भाई साइड पे, नहीं तो बंदे उसको कंटेनर में लोड करके दूसरे शहर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं शायद से। जल्दी जिमी निकल, उनका नेता तो मैं बनाऊंगा, जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी चुराएंगे, इतना दमाग है उन लोगों में। मैं भाई जगह पर पहुंच चुका हूँ, मुझे यही जगह बताई थी उस लड़की ने, हैकिंग करने वाली लड़की ने। तो फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी यहीं पीछे रख दी है। जिमी बेटे मिनी गन निकाल सीधा, जितने बंदे मिलेंगे सभी को मिनी गन से दिया, एंड मैं अभी करने वाला हूँ, ऊपर चढ़ जा, बहुत ही बढ़िया। तो इन कंटेनर में भाई गाड़ी लोड कर दिया बंदों ने, अमेजिंग यार कैसे कैसे काम चलते हैं। फिलहाल बंदा दिखे तो सही, मेरे को अभी बंदे का नेता बना दूंगा 2 मिनट। ओके भाई बंदे मेरे को दिख गए, आराम से जिमी पास, बस एक काम कर वेपन को हटा, पहले बाइनोकुलर ऑन कर और देख जल्दी से कितने बंदे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल भाई गाड़ी पीछे ही है जैसे कि आप देख रहे होंगे, वो रही हमारी प्यारी गाड़ी और ये रहे बंदे, और कुछ चेक करने में लग रहे हैं भाई ये बंदे, ये कौन सी गैंग के बंदे जो फ्री में पंगा ले रहे हैं। जिमी बेटे वेपन निकाल जरा, और बंदों का नेता बना अभी। अरे भाई ये कौन से लेवल की बदतमीजी थी, गाड़ी फटी। नहीं 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 नहीं, ये क्या हुआ, ये मैंने नहीं किया भाई, ये कैसे मतलब गाड़ी कैसे फट सकती है, ये गाड़ी असली थी नकली थी, कुछ गड़बड़ है। और बंदे ने गोली भी चलाई भाई, जिमी को बहुत ज्यादा चोट भी लग गई होगी, मैं तो बट गाड़ी के शौक में रह गया, जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी कैसे फट सकती है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ चलती है, कुछ गड़बड़ है भाई, क्योंकि ये तो एलियन प्रूफ है, आरपीजी प्रूफ है, इस पे तो कुछ भी लग जाए इसमें कुछ नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये गाड़ी असली नहीं है। तो मैंने तो गैरेज से गाड़ी निकाली थी भाई जेम्स बॉन्ड वाली, आपको बताइए सुबह वाले व्लॉग में, फिर वो चुर गई थी, चोरी हो गई थी स्ट्रिप क्लब से, और ये वही कार है, कैमरा से चेक किया हमने, फिर ये फट कैसे सकती है भाई साहब। अरे यार ये ड्राइवर जान से मार देगा आज तेरे को, आटे मर ले बेटे मर ले, तू एक काम कर पहले ग्रेवयार्ड में जाकर किसी कॉफिन में लेट जा, नहीं तो ड्राइवर तेरे को लेटा देगा। एक तो तूने चोरी वाले तो उल्टे काम करे, ऊपर से तूने गाड़ी चुरा ली वो भी ड्राइवर की, ड्राइवर ने बोला था कभी गलत काम मत करना नहीं तो बहुत मारूंगा, एक तो गलत काम किया और ऊपर से ड्राइवर के साथ किया। जिमी भाई निकल, हो गया फ्यूचर खराब जिमी का, तो अब पता नहीं क्या होगा, अब ये मेरे को जल्दी पता करना पड़ेगा कि आखिर ये गाड़ी सच्ची थी मतलब असली थी या नकली थी, और फटी क्यों कैसे क्या हुआ,
कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी चलिए। फिलहाल तो भाई निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर अब हम इस चीज़ को जो हमने ख़राब करी है वो सही कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतने आप लोग, तो ये वीडियो कैसे लगे अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।